दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? और आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और दोस्तों सुबह सुबह का टाइम है, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, 6:30 बजे का टाइम हो रहा है और मैं आ चुका हूँ अपने घर से 30 किलोमीटर दूर संजय वन का बोर्ड दिखाएंगे आपको। हम आ चुके हैं संजय वन और ये बहुत बड़ा जंगल है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, जैसे धोला कुआ है, उसी तरीके से ये भी है। ये फॉरेस्ट एरिया के अंदर आता है, फॉरेस्ट मिनिस्टर के अंदर आता है, तो ये जंगली एरिया है और यहाँ पर जो है जानवर वगैरह मिलने का खतरा रहता ही है अक्सर। तो ये गवर्नमेंट ने संरक्षण कर रखा है इस जगह का, तो यहाँ पे जंगली जानवर नॉर्मली मिल जाते हैं। दोस्तों अभी हम अंदर चलेंगे, घूम कर आएंगे, क्या पता हमारी किस्मत अच्छी, हमें कोई जानवर देखने को मिल जाए। और दूसरी बात, यहाँ की कई सारी धारणाएँ हैं अलग से, तो वो भी हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल अभी आप लोग नए आए हैं चैनल पर, तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो कर देना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो मस्त मस्त लेकर आऊँ, ठीक है। और आगे भी कमेंट कर देना कहाँ पे जानी वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो लेकिन सपोर्ट करो यार, बहुत कम सपोर्ट आ रहा है, सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा है, व्यूज़ इतने कम आ रहे हैं, दिमाग इतना मतलब टेंशन दे देते हो कभी कभी तो यार। तो फिलहाल अभी वीडियो में चलते, ज़्यादा बातें नहीं बनाते। उड़ गए हूँ। सो दोस्तों आ चुके हैं संजय वन के अंदर, एंट्री कर ली है हम लोगों ने। हो यार काफ़ी घना है और यहाँ पर सच बताओ ना, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो एक बार तो ज़रूर आओ यार, क्योंकि ठंडा इलाका है बहुत ज़्यादा। और अंदर घुसते के साथ एक तो जड़ी बूटियों की इतनी खुशबू आ रही है, पौधों की इतनी खुशबू आ रही है, महक आ रही है कि अच्छा ही लग रहा है बहुत ज़्यादा। दूसरी बात, मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि मैं अंदर घुसा भी नहीं हूँ और मुझे यहाँ पर तालाब मिल गया। तो मतलब ये तालाब है और देखने में, देखोगे तो मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखा देता हूँ कैसा है, पानी पड़ा हुआ है। तो ये कुछ इस तरीके से जंगली एरिया है। देखो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सेफ्टी बरतनी पड़ेगी, थोड़ी सी सेफ्टी, बाकी वो आपने देखी हो हॉरर मूवी ना, भूतों की मूवी देखी हो, या फिर क्या नाम है जंगली जानवर जंगली एरिया की वीडियो देखी हो मूवी वगैरह, तो ऐसा ही कुछ होता है। देखो कैसे तालाब सा बना हुआ है, बिल्कुल पानी है, इसके अंदर मछलियाँ भी है छोटी छोटी। कमेंट करो और सब्सक्राइब तो जरूर करो। देखो अब मैं आप, हाँ तो दोस्तों मेरे भाइयों देखो, चलते चलते यार हम मस्त चल रहे थे और यहाँ पे छोटी सी पुलिया आई है और छोटी सी पुलिया के नीचे देखो यार मस्त सी एक छोटी सी नदी है। हाँ नदी या नाला, क्या नाला तो नहीं है खैर, क्योंकि नाला होता तो स्मेल आ जाती। और दूसरी बात कि वहाँ पे पानी भी चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ अगर इसमें जूम होगा, देखो। तो अभी हम वहाँ पे भी चलेंगे और मैं आप लोगों को और एक ज़्यादा खौफनाक चीज़ और दिखाता हूँ एक और, कि यहाँ पर लग रहा है बोर्ड और यहाँ पे नागों के संरक्षण के लिए बोर्ड बन लगा रखा है। और यहाँ पता नहीं यार किसने इन्होंने, ये देखो यहाँ पे असलियत में बुआ अंधा साहब मामा बगीना दुमई, मतलब दुमई जिसे कहते हैं, और रेड स्नेक और क्या नाम है बुल्फ स्नेक, करैत कॉमन इंडियन करैत और नागा मतलब ऐसे तो काफ़ी सारी ब्रीड है। वाइपर वगैरह भी है भाई, हरा सांप भी है, पानी वाला सांप होता है हरा सांप, ये तो पता ही होगा सबको, देख सकते हो मतलब पूरा। दोस्तों चलते चलते, हाँ यार क्या मस्त ब्यूटी देखने को मिल रही है। तो ये बना रखा है पार्क टाइप का, पार्क बना रखा है। और दूसरा ये पहाड़ है, पहाड़ को देखो किस तरीके से पहाड़ है यार, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। लोग ऊपर चढ़े हुए हैं इसके, तो ये देखो ऊपर लोग चढ़े हुए हैं। आगे चलते हैं और दिखाता हूँ अच्छे से, डिटेल के अंदर दिखाऊंगा, बाकी ये सारा जंगल ही है। यहाँ पे मोर तो पक्का आते होंगे भाई, भाई मैं तो ये चीज देख रहा हूँ, ये पहाड़ में से देखो पेड़ कैसे निकल रहा है, कितना बड़ा पेड़ है और यहाँ से पहाड़ में से निकल रहा है, मतलब पहाड़ की चट्टान को फाड़ के निकल रहा है भाई। ये पेड़ भी आजकल का नहीं है, देखो कितना पुराना है, तो बहुत पुराना है, देख रहा हूँ मैं भाई इसकी जड़े देखो यार, भाई साहब मस्त है, काफी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो रहा है, नेक्स्ट लेवल की चीजें हैं, मस्त है यार, मजा आ जाएगा भाई, एक बार तो जरूर आना भाई, मेरे को तो बड़ी अच्छी लग रही है। मैं तो कभी दिल्ली में रह के, मेरे को पता ही नहीं था ये कि ऐसी भी कोई जगह है। चलो आगे चलते हैं। तो सिद्धार्थ भाई और मैं यहाँ पे खड़े हुए थे, तो सिद्धार्थ भाई क्या क्या देखने भाई को, यहाँ पे देखने को ना सारे अजूबे ही है, मतलब इतना मजा आ रहा है यहाँ पे देखने में ना, मतलब आके ना हमारी ऐसे हो रही है कि हम इतने सालों से रह रहे हैं दिल्ली में और अब यहाँ पे कभी आए ही नहीं भाई, बिल्कुल ही अलग लेवल का फील आ रहा है यहाँ पे। और आप देखते जस्ट हमारे सामने ना ये बोट,
तो आप देखो ये हम रास्ते में चलते चलते ना हमारे को ये बोर्ड दिखाया और बोर्ड में ना यहाँ पे ना भाई औषधियाँ के बड़े बड़े पेड़ है और मुझे लगता है कि यहाँ से सारी ना औषधियाँ हैं दवाइयाँ बन के ना जाती हुई भी गवर्नमेंट का पूरा एरिया है तो DDA के अंदर आता है। और दूसरी बात ये दिखाओ ना पापड़ी का पेड़। तो दोस्तों मैंने भी एक चीज़ पूछी सिद्धार्थ भाई से, नया वर्ड भाई मुझे दिखाया पापड़ी का, मुझे समझ में नहीं आया पापड़ी का बल्ले पापड़ी बोलती है भाई क्या बोलती है ये मैं नहीं जानता, बट मुझे नया चीज लगा। और एक चुड़ैल चुड़ैल पापड़ी चुड़ैल पापड़ी आया। तो गाइस मेरा कमेंट करके बारे में नॉलेज हो ना तो वो कमेंट करके बताना किस पापड़ी का क्या दही बल्ले में डलता है या किस में बनता है ये, क्योंकि हमारे को भी पता नहीं है अवेयर नहीं इस चीज़ के ये, तभी आपको हम बता रहे हैं। बाकी थोड़े बहुत तो हमने ये सब तो हाँ हमने थोड़ा बहुत सुना है, बाकी ज्यादा नहीं। कीकर वीकर तो सुना है, कीकर भी सुना हुआ, बेर का भी सुना हुआ है, बेर का भी सुना हुआ है। और हाथी के कान वाला जो है वो पलाश का जो है तो ये हाथी के कान हम बोलते हैं। बाकी मैं कह रहा हूँ क्या कहना है, जो जो ये चुड़ैल पापड़ी है ना तो भाई ये डेफिनेटली मेरे को लगता है कोई चुड़ैल वड़ैल बना के देती होगी, देखते हैं मिल जाएगी तो हम भी एक प्लेट बुक करा लेंगे। और भाई गाइस मैं आपको एक बात और बताऊंगा, ये जो जगह है ना हमने एक गार्ड से पूछा था अभी रास्ते में, तो ना वो गार्ड ने मेरे को बताया कि ये जो एरिया है ना, प्लीज आप यहाँ पे कैमरा दिखाइए, ये जो एरिया है ना बताते हैं कि ये बहुत डेंजरस के अंदर आता है, मतलब जाओ तो भाई अपने रिस्क पे जाओ वरना भाई तुम्हारी मर्जी, क्योंकि अरावली हिल्स को तरफ ये रोड तरफ जा रहा है पहाड़ की तरफ, तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस एरिया कहते हैं। बाकी हम अभी गए ही नहीं, हम जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं तो हम आपको आप बताएंगे जैसे भी होगा। चलिए आगे चलते फिर दिखाते हैं। तो फिलहाल कैप्टस के पेड़ देखो यार कितने मस्त लग रहे हैं, तो ये थोड़ा मेरे को फिर वो बेयर ग्रिल वाली याद दिला रहा है थोड़ा जंगली जंगली सा। सिद्धार्थ भाई आपको इसके ऊपर लिटा दिया जाए तो कैसा रहेगा? सिद्धार्थ भाई आपको इसके ऊपर लिटा दिया जाए तो कैसा रहेगा? मुझे ड्रैगन फ्रूट जैसी कोई फीलिंग आ रही है थोड़ा देख के इसको। बाकी ये कितना स्लीम है यार, कितना पतला पतला सा है, साला लग गया ना हल्का सा भी लगे उछाल देगा मुझे। चलो फिर चलते हैं आगे की तरफ में और उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को। तो गाइस बाकी फिलहाल हम वीडियो में देखेंगे आगे और क्या चीज़ें मिलती है देखने को लिए संजय वन के अंदर, क्या 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 चीज़ें ऐसी छुपी हुई है जो हम लोगों को देखने को मिलेगी। बाकी ये सारा ही जंगल है, आपको एक और जगह दिखाएंगे, बहुत बढ़िया जगह दिखाऊंगा मैं जिसके अंदर आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। फिलहाल हंटेड तो अपनी जगह है लेकिन एडवेंचर अपनी जगह है, मैं एडवेंचर आप लोगों को दिखाता हूँ कहाँ पे आपको मिलेगा। तो थोड़ा सा मैं स्किप कर देता हूँ आगे चल के फिर मैं दिखाता हूँ। तो ये देखो दोस्तों जन्नत है भाई जन्नत, तो आप आओगे ना इस जगह पे, ये है जन्नत, पूरा का पूरा जंगल 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 दिख रहा है, दूर दूर तक जंगल। और घर वगैरह तो दिख ही नहीं रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं घर नहीं दिख रहे हैं आसपास में, घर है बहुत दूर है बट बहुत बहुत दूर है, तो इतनी ग्रीनरी देखने को मिल जाए तो मज़ा ही अलग है ना, मज़ा ही आ जाता है यार। फोकस थोड़ा बिगड़ गया लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखो हम यहाँ से, वो देखो वो बेटे जो बाइसिकल चला रहा था लड़का वो है ये, और हम वहाँ पे भी चलते हैं। तो उन भाई का नाम भी हमने नहीं पूछा यार, सिद्धार्थ भाई हमने नाम नहीं पूछा उन भाई का यार, जो ये बाइसिकल चला रहे हैं फिलहाल। लेकिन लड़के बहुत अच्छे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटी छोटी क्लासों में हैं, 9th में 10th में हैं। और चलते हैं ऊपर चढ़ते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को। तो अब थोड़ा चालू है हॉन्टेड एरिया, क्योंकि यहाँ देखो ये है मजारे बनी हुई है कि यार क्या बना रखा है मुझे आइडिया नहीं है, बट लेकिन ये है तो किसी की मजार वगैरह ही। देखो तो ये कुछ दो मजारे हम लोगों को यहाँ पे दिखी है, तो इसलिए इसे हॉन्टेड एरिया भी बोला जाता है संजय वन के अंदर, कि हॉन्टेड एरिया बताते हैं ना। तो बाकी मकबरे टाइप के थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ा और चीज़ देखने को मिलेगी शायद से। ये जो बने हुए हैं ये दो भी मेरे ख्याल से वही चीज़ है, ये जो है ये एक ये और एक ये जो है शायद से ये भी वही चीज़ है। फिलहाल मैं और आगे दिखाता हूँ, मेरे ख्याल से और भी बहुत सारे यहाँ पे बता रहे हैं, तो आगे चलते हैं और दिखाता हूँ मैं।